उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा के बारे में सवाल उठाया गया है और चुनाव आयोग के द्वारा उनके नामांकन की वैधता पर भी प्रश्न किया गया है। शिकायतकर्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से वकील अशोक पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि हमने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास से दो आधारों पर राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की है। पहला ये कि राहुल गांधी को दो साल के लिए दोषी ठहराया गया है, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन शिखर अदालत ने अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें कहा गया है कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। जो रिटर्निंग अफसर है इस चुनाव की, उनके समक्ष एक आपत्ति दाखिल किया है जिसमें राहुल गांधी की नॉमिनेशन पेपर को दो आधारों पर रद्द करने की मांग किया है। प्रथम आधार यह है कि राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है और उस नाते संविधान के अनुच्छेद 102 सपठित धारा 83 आदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। हमने भी कहा है कि यद्यपि राहुल गांधी का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन उनको अफजल अंसारी जैसा आदेश नहीं दिया है कि वे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अफजल अंसारी के मामले में उनको भी सजा हुई थी गंगा स्ट्राइक में 4 साल की। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे किया और एक कहा, हम आपको पढ़ के बताते हैं, द अपेलेंट शैल नॉट बी डिसक्वालिफाइड टू कंटेस्ट फ्यूचर इलेक्शंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हिज क्रिमिनल अपील बिफोर द हाई कोर्ट एंड इफ ही इज इलेक्टेड सच इलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फर्स्ट क्रिमिनल अपील।